नमस्कार दोस्तों, आशा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल एक बार फिर आप सबके सामने लेके आई हूँ इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही गंभीर समस्या जो कि है बच्चेदानी की लाइनिंग की समस्या। इसके घरेलू उपाय क्या हैं जिनसे हम पतली लाइनिंग बढ़ा सकते हैं? अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो पतली लाइनिंग के घरेलू उपाय क्या हैं? आप घरेलू उपाय में आप अपनी नरिशमेंट को अच्छा कीजिए। अगर आप पतले हैं, लीन एंड थिन हैं, आपको कमज़ोरी महसूस होती है तो आप अपना आहार विहार अच्छा कीजिए। आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, तीखा भोजन जो पित्त को बढ़ाने वाला है, वात को बढ़ाने वाला है, ऐसा भोजन आप ना करें। इसके अपोजिट आप नरिशमेंट लीजिए, यानी कि आप अपना बॉडी को नरिश कीजिए। आप रोज़ एक आंवले का मुरब्बा खाइए, आप पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि रस धातु से ही आपकी जो रक्त है उसमें रज जो है उसकी निर्माण होता है। ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है कि रस से रज का निर्माण होता है। तो अगर आप रस धातु का यानी लिक्विड्स का ज़्यादा सेवन करेंगे तो वो रज अच्छा जाता है। इसी तरीके से आप उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कीजिए तो वहाँ की चैनल ब्लॉकेज रिजॉल्व होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? आप डेली वर्कआउट कीजिए। आप एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो 30 मिनट्स की वॉक कीजिए। ट्रस्ट मी, 30 मिनट की वॉक से आप अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इतने अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं कि वहाँ का यूट्रस और उसके आसपास के एरिया का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। तो ना केवल एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ेगी बल्कि आपके एग्स की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो आप अपना वर्कआउट को इम्प्रूव कीजिए। फिजिकल जितना भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऑफिस में पूरा दिन बैठे रहते हैं तो हर दो दो घंटे में, एक एक घंटे में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए। आपके ऑफिस में स्टेयर्स होंगी, आप एक दो राउंड उसके जरूर लगा लीजिए हर दो घंटे में। और चाय कॉफ़ी ऐसी चीज़ों को बीच बीच में ज़्यादा ना लें। खाने में आप कौन सी हर्ब्स ऐसी हैं जो अगर आप लेते हैं तो उससे इम्प्रूव होता है? डेफिनेटली मैंने बोला लिक्विड आहार विहार ज़्यादा लीजिए। इसके अलावा आप रोजबेरीज ले सकते हैं, शतावरी का सेवन कर सकते हैं, वो बृंगणीय द्रव्य है। बट फिर भी कहूँगी जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी हर्ब्स ले रहे हैं एक बार किसी से संपर्क करके ही लीजिएगा। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा के संपर्क से अगर आप ये लेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और अगर इनसे इम्प्रूव नहीं होता तो आप आशा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेदिक जो चिकित्सकों की टीम है, हम लोग इन सब चीज़ों पर एनालिसिस कर ही ट्रीटमेंट करते हैं। इस वजह से पिछले 9 सालों से सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी दे पा रहे हैं। तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।